तेरी तो ये क्या बवाल चीज है बे। अबे ऐसा पोकेमोन मैंने आज तक नहीं देखा बे। तेरी तो ये क्या चीज बना दी है बे इसने। ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है पाल वर्ल्ड के अंदर की, भाई साहब देखा गया है ब्रांड न्यू बहुत ही खतरनाक अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमोन। तो यस गाइस, पाल वर्ल्ड में एक अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमोन देखा गया है और ये सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है ब्लैक मार्केटर जो कि डेट्रेक्स गेमिंग का खास आदमी है, उसका लेफ्ट हैंड है, वो यहाँ पर सप्लाई करके लाता है। तो यार उससे कांटेक्ट करने के लिए तुम लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, जिसके बाद मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा वो आदमी से जो कि डेट्रेक्स का खास आदमी है, जो उसको बताता है पाल वर्ल्ड में जितने भी न्यू पोकेमोन आते हैं ना सारे वो उसको बताता है। तो यही वो लोकेशन है जिसके बारे में मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद ना गाइस ब्लैक मार्केटियर से मेरे को बात करना और उसको पूछना है कि भाई वो जो पोकेमोन है वो हमारे पाल वर्ल्ड में कैसी लोकेशन और किस जगह पर आया और किस टाइप का वो पोकेमोन है। तो लेट्स गो गाइस, ये देखो ये है ब्लैक मार्केटियर, ये जो है ना डेट्रेक्स का बहुत खास आदमी, यही बताता है डेट्रेक्स को न्यू पोकेमोन के बारे में और पूरे यूट्यूबर को पोकेमोन के बारे में। तो चल भाई फटाफट मुझे भी बता दे कि भाई वो पोकेमोन कहां पर रहता। तो गाइस ये बता रहे वो पोकेमोन तो बहुत खतरनाक है, वो बताने के बदले पता है क्या लेने वाला है, वो लेने वाला है लाइलिन का एक बहुत ही बड़ा छड़ी। तो तुमको पता है लाइलिन एक अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमोन और उसकी छड़ी बनाना है हमको, तो उसके बाद जब मैं इसको ला कर दूंगा वो छड़ी, तब जाके वो लोकेशन बताएगा वो पोकेमोन का जिसका नाम है मोनोचोरमोन। भाई नाम ही इतना विचित्र है ना कि मैं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, राइट नाउ चलते हैं मेरे मेन बेस की तरफ, जहां जाने के बाद ना मैं जाके बनाता हूँ वो लाइलिन की छड़ी और उसके बाद उसको ला कर देता हूँ, जिससे अपने को लोकेशन पता चल जाएगा। अरे भाई मेरे को तो पता ही नहीं था ना ये डेट्रेक्स हो गया भाई, अपना अल्फा हो गया, इसी के पास जाते लोकेशन पूछते फिर जाके पोकेमोन्स को पकड़ते, तो मैं क्यों ना पकड़ता। गाइस ये देखो लिलीज है, ये लाइलिन नहीं है लिली है, मैं गलत बोल रहा था, लिली स्पेयर गाइस, इसी को लेकर जाना है मेरे को और वो जो है ना अपना ब्लैक मार्केटर उसको देना है। तो फटाफट वर्कर अनुबिस काम पर लग जा गाइस, देख रहे हो ये बन चुका है, लेट्स गो यहां से इसको लेकर चलते है और वो ब्लैक मार्केटर को देते। और मैं तुमको बताता जो छड़ी मैंने बनाई है ना उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है ब्लैक मार्केटिंग में। तो गाइस लेट्स गो, मैं उसकी लोकेशन पर आ चुका हूं। ये है मेरा वर्ल्ड फास्टेस्ट फिंगलॉक जिसका नाम मैंने चीते रखा, चीते की तेज भागता है गाइस, ये देखो कितना ज्यादा ये स्पीड भागता है। तो मैं कह रहा था जैसे ये छड़ी मैं उसको दे दूंगा ना वो मेरे को लोकेशन बता देगा मोनोचोरमोन का। भाई क्या ही नाम है, वो पोकेमोन कैसा होगा देखने के बाद तो मेरी हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि वो 70 लेवल के आसपास का पोकेमोन, और आज तक भाई पूरे पाल वर्ल्ड में 70 लेवल का पोकेमोन किसी ने नहीं देखा, पहली बार भाई मैं देखने वाला और मेरा दिमाग अभी से घूम रहा है कि वो पोकेमोन क्या होने वाला है। तो चलो इसको देते लिली का छड़ी दे दिया गाइस मैंने उसको और उसने मेरे को बता दिया लोकेशन। तो एक काम करते हैं, लोकेशन पे जाने से पहले मेरे चलते बेस पे जहां पर मैं कुछ पोकेमोन ले लूंगा जिससे मुझे यूज होगा फाइट करने को वो जो मोनोचोरमोन है उसको हराने के लिए। तो लेट्स गो, मैं जा रहा हूं मेरे बेस की तरफ, तुम लोग भी एक्साइटमेंट हो मेरी तरह उसको देखने के लिए, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूं और मैं आ चुका हूं राइट नाउ मेरे बेस में, रात भी हो गई थी। काम करते पोकेमोन अभी फिलहाल ले लेते, उसके बाद कल जाएंगे उससे फाइट करने को। सबसे पहले मेरी हैवी पोकेमोन जो कि नागिन है, तुमको पता ही है नागिन यूर्फ बैलन और मेरे को पहली चॉइस चाहिए। तो जट्टू नागिन फाइटर पैलेडियस को लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं पैलेडियस की जगह पे मैं मेरा शेर खान लेकर जाऊंगा, एक फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमोन। तो ये रहा गाइस शेर खान, इसको मैं लेकर जा रहा हूं। फ्रॉस्ट्रेलियन को लेकर जाऊं या पैलेडियस को लेकर जाऊं, तो मैं फ्रॉस्टी जो मेरा उर्फ फ्रॉस्ट्रेलियन है उसी को मैं लेकर जाने वाला हूं। तो अभी काम करते रात हो गई, तो आराम करते सुबह की तरफ। गाइस मैं आ चुका हूं, यही लोकेशन मेरे को बताया है वो ब्लैक मार्केटियर ने और भाई रिवील हो चुका है डेट्रेक्स कहां से अपना पोकेमोन लाता है। तो मैं भी आ चुका हूं और यहीं कहीं पे वो पोकेमोन होना चाहिए। तेरी तो ये क्या बवाल चीज है बे। अबे ऐसा पोकेमोन मैंने आज तक नहीं देखा बे। तेरी तो ये क्या चीज बना दी है बे इसने। अरे भाई आगे इतना बड़ा सिंह, इतने डेंजर दाल, 70 लेवल का, 10,000 HP, अरे ये फ्रोजन किंग उसके ऊपर लिखा है, ऊपर से तुम लोग देख सकते हो भाई डैमेज भी एक एक का पड़ रहा है। बे भाई मतलब आज तुम्हारे भाई को अपनी कड़ी इंतहाम देना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। गाइस पूरी चड्डी गीली करनी पड़ेगी, लिटरली बहुत खतरनाक मोनो
चोरोमोन, क्या नाम है इसका भाई, बहुत खतरनाक। और ये अटैक देखो गाइस, ये क्या मार रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो तो कुछ कर नहीं रहा अटैक मेरे ऊपर। गाइस अभी तुम लोगों ने देखा उसका एक अटैक है, उसके ऊपर अपने सर के ऊपर ना बहुत बड़ा वो बन जाता है, क्रिस्टल टाइप बन जाता है और डायरेक्ट गिरता है सर के ऊपर, बहुत हैवी डैमेज होता है। और भाई तो यहाँ पर अपना शेर खान इफेक्टिव है इसके सामने, मोनो चोरोमोन के सामने। अबे ये तो मुझे टायरानोसॉरस लग रहा है भाई, इतना खतरनाक, डेंजर, इतना हैवी लग रहा है गाइस। और डैमेज भी बहुत कम हो रहा है, मेरे जो असॉल्ट राइफल है ना उससे एक एक दो दो का डैमेज हो रहा है, जो कि भाई साहब ये वाला अटैक कह रहा है गाइस। देखा तुम लोगों ने, ये अटैक में ना उतना ऊपर से क्रिस्टल, बड़ा हैवी क्रिस्टल अपने ऊपर गिरता है, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज देता है। इसीलिए मैं अपने पोकेमोन को ना, अबे यार एक मिनट रुको, ये देखो दो तीन अटैक में मेरा आर्मर डैमेज कर दिया इसने। अबे तेरी तो, ये क्या अटैक मार रहा है यार। ओहो भाई साहब, सेफ खेलना पड़ेगा गाइस, सेफ एंड सिक्योर खेलना पड़ेगा। यहाँ पर ज्यादा होशियारी करी तो मैं यहाँ पर खत्म, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। लेट्स गो मोनो चोरोमोन को यहाँ पर बैठ के फायरबॉल मारते, बैठ के मारूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है। यस गाइस 400 का डैमेज भी बहुत सही होगा, एक और फायरबॉल जिससे 200 का डैमेज। लेट्स गो यार, शेर खान बहुत खतरनाक। लेट्स गो, नाइटमेयर मार दिया मैंने यहाँ पर अपनी बेलनी और उर्फ नागिन से। लेट्स गो गाइस, आधी एचपी होने वाली है इसकी यार, इसको पकड़ना मतलब 70 लेवल का पोकेमोन बहुत हार्ड मेरे को लग रहा है गाइस। ये पोकेमोन तुमने कभी देखा है क्या, बताओ मेरे को। अबे कहां गया हमारा ये फाइटर, अबे तेरी तो, फाइटर ने क्या मारा है यार, हवे में जाके उड़ी मार के डायरेक्ट। बट फाइटर इतना इफेक्टिव नहीं है इसके सामने, तो मुझे लग रहा है फाइटर को मुझे वापस बुला के किसी और को भेजना पड़ेगा, तब जाके इफेक्टिव होगा। शेर खान ही यहाँ पर एक इकलौता पोकेमोन है मेरे पास जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो शेर खान को थोड़ा आराम दे रहा हूँ, फाइट करवा रहा हूँ, आराम दे रहा हूँ, फाइट करवा रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है ना, शेर खान को रिलैक्स भी मिल रहा है, पावर रिक। ये देखो गाइस ये वाला अटैक तुमने देखा कैसे वो गिरता है यार, एक अटैक में कम से कम 400-500 का डैमेज हो। इसलिए मैं शेर खान को सेफ सिक्योर खेल रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ, अटैक करवा रहा हूँ, बुला रहा हूँ, अटैक करवा रहा हूँ, जिससे शेर खान रिकवरी मोड में भी जा रहा है, अटैक भी हैवी कर पा रहा। तो लेट्स गो, 5000 पे आ चुकी है इसकी एचपी, लिटरली इसको मारते मारते 15 मिनट लग गए अभी तो, कितना कम एचपी, धीरे धीरे इसकी कम हो रही है, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं गाइस। ये मोनो चोरोमोन तो बहुत ही खतरनाक डेडली पोकेमोन निकला यार, ये तो पहली बार मैंने ऐसा कोई पोकेमोन देखा है, और पहली बार मेरे कोई पोकेमोन ने बहुत टफ देने लिया है गाइस, लिटरली बहुत टफ हो रहा है गाइस को। रनर को बैट के मारते हैं, अभी तेरी मेरे ऊपर गिरी, बट मैं ये अटैक को मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा डैमेज देता और मेरे को भी डैमेज पड़ चुका है बहुत ज्यादा। लेट्स गो शेर खान भाई, सब मार शेर खान, इतना जल्दी मारना कि मैं इसको जल्दी से पकड़ लूं, क्योंकि मेरे को ये पोकेमोन चाहिए भाई, ये तो अल्ट्रा लेजेंडरी से भी ऊपर है गाइस। ये देख रहे हो तुम लोग, इसका कोई नाम दो, ये मेरे को मोनो चोरोमोन पसंद नहीं आया, तुम लोग मुझे इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये मोनो चोरोमोन तो बेकार टट्टी लग रहा है मेरे को ये नाम। फिलहाल तो इसका अटैक और डैमेज तो बहुत ज्यादा है, इसको पकड़ लूं ना तो मेरी टीम में तो भाई साहब हैवी पोकेमोन की लड़ी लग जाएगी गाइस। यहां देखो गाइस, लेट्स गो भाई, शेर खान तो खतरनाक परफॉर्मेंस दे रहा है। एक काम करते, इधर आ बेटा, ऑपोजिट तेरे पर बैठूंगा मैं, एक और फायर बॉल मारता है, फायर बॉल मारने हो तभी मेरे पे अटैक करता है भाई। शेर खान की आधी एचपी, ब्लाजा मत की आधी एचपी खत्म कर दी, बट 3700 पे आ चुका है, वो भी बहुत नजदीक है गाइस, इसको मारने को पकड़ने को 400 का डैमेज। लेट्स गो, फिर से पड़ गया भाई, सब ये वाला अटैक, भाग भाग शेर खान भाग यहां से, अंदर 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 बेटा अंदर, थोड़ा रिलैक्स कर ले, और यहां पर बैलेनियर को फेंकते गाइस, बैलेनियर थोड़ा डैमेज कम कर, शेर खान को टाइम दे दे थोड़ा रिकवर होने का, जैसे वो रिकवर हो जाएगा ना फिर से अपन उसी को बुलाएंगे, और क्योंकि भाई वो ज्यादा इफेक्टिव है इसके सामने। ये है फ्रोजन किंग मोनो चोरोमोन भाई, क्या डेडली पोकेमोन है गाइस, ये वाला पोकेमोन तो अल्ट्रा लेजेंडरी ऊपर ही निकला। बैलेनियर तुमको पता है बहुत अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमोन, उसका डैमेज भी इसके सामने कम पड़ रहा है, तो समझो गाइस क्या हालत होने वाली है। अभी योर अटैक बचाओ, मैंने बचा लिया बैलेनियर को, अभी काम करते गाइस, बैलेनियर से ना अटैक करवाते वो वाला। यस गाइस ये वाला अटैक ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, देख रहे हो गाइस 100 के ऊपर का डैमेज जो कि बहुत सही था, यही अपने को चाहिए, क्योंकि 1500 एचपी आप पे आ चुका है। अभी मैं पकड़ने वाला हूँ, मेरे मुंह से क्या निकल रहा। लेट्स गो मोनो चोरोमोन, मेरे को पकड़ना है तेरे को मोनो मोनो, ये क्या पेंगलेट, तू इनको मार देगा, तो पेंगलेट को पहले मारते है गाइस, उसके बाद इसके ऊपर निपटाते। तो लेट्स गो 500 पे आ चुका है, अभी मौका है बेटा, आजा आजा बेटा, लेट्स गो, फायरबॉल मार दे। अरे यार मैंने पहले बुला लिया, कोई बात नहीं पकड़ने को। बे तेरी तो, दिस स्पीयर इजंट वर्किंग ऑन मोनो चोरोमोन लेवल 70, ट्राई यूजिंग अ बेटर स्पीयर। अबे भाई ये अल्ट्रा लेजेंडरी स्पीयर है, तू इसके ऊपर भी नहीं आ रहे हो भाई, ये क्या चीज है, कैसे मैं इसको पकड़ू भाई, कैसे मेरे पास आएगा, 70 लेवल तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। एक काम कर देना गाइस, एक और चीज कर दे, ब्लाजामत को बुलाते और इसकी एचपी और कम कर दे, जिससे क्या चांसेस हाई रहेगा कि भाई अपन इसको पकड़ पाएंगे। लेट्स गो, ब्लाजामत 100 के अंदर ला दे, चांसेस रहेगा कि अपन इसको पकड़ ले भाई। मोनो चोरोमोन क्या डेडली पोकेमोन है गाइस ये वाला। चला बेटा ब्लाजामत के ऊपर बैठते गाइस, मैंने क्या रिंग ऑफ मर्सी पहनी है, मतलब मैंने जो रिंग पहनी है ना उससे वो पोकेमोन सामने वाला मरेगा नहीं। तो जैसे कि तुम लोग यहां पर देखो 195 पे आ चुका, अभी भी नहीं आ रहा
रहा है भाई, इतना कम एचपी कर दिया फिर भी नहीं आ रहा है। तेरी तो भागो भागो मेरा, मर जाऊंगा मैं, इतना डेंजर पोकेमॉन फाइट लिया मैंने और मैं मरना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सेफ खेलते हैं, थोड़ा भागो भाई, सिक्योर रहो, अटैक करो अभी यहाँ पर और डिफेंस भी करो। साबे तेरी लग गया बे, भागो 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 यहाँ से, सेफ सिक्योर लेट्स गो। अब ये काम करते, मैंने रिंग ऑफ मर्सी तो पहनी है ना, ब्लाजा मत को बुला दो और इसकी एचपी एक कर दो, उसके बाद देखते पकड़ने का। लेट्स गो 150 पे है, अब मारते गाइस, अब देखते क्या लगता अपन इसको पकड़ पाएंगे कि नहीं। एक एचपी आ चुका है, एक एचपी आ चुका है, अब ये मरने वाला है गाइस, अब कोशिश करते पकड़ने का। मेरे पास 225 लेजेंडरी स्पीयर है और पोकेमॉन बॉल इतना होने मतलब लेजेंडरी वाला तो चांसेस हाई रहेगा कि अपन इसको पकड़ पाएंगे, बट यहाँ पर तो भाई ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अबे बवाल चीज है बे, मैं इतना लेजेंडरी बॉल फेंक रहा हूँ इसके ऊपर बट ये चांस ही नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर दिखा रहा है बैटर स्पीयर, अबे इससे बैटर स्पीयर में कैसे लेकर आऊ, क्या तुम लोग जानते हो इससे अच्छा स्पीयर होता है क्या पाल वर्ल्ड में? तो मुझे बताओ, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ होगा पूरे पाल वर्ल्ड में, एक ऐसा लेजेंडरी पाल स्पीयर कि अपन सामने वाले को फेंके तो वो कंफर्म अपने पॉकेबॉल में आ जाए। तो यहाँ पर तो भाई लेजेंडरी स्पीयर काम नहीं कर रहा, तो ये पाल स्पीयर क्या ही काम करने वाला है। फिर भी ट्राई करते क्योंकि एक एचपी है गाइस, जितने पे तो आ ही जाना चाहिए इसको, बट यहाँ पर तो 0.00% दिखा रहा है। कैसे मैं इसको पकड़ू, लेट्स गो 0.39%, आ जा बे यार, इतनी मेहनत के बाद अंदर आया था, कितना स्पीयर मैंने फेंक दिया तो अब जाके आया था, मैं कंटिन्यू स्पीयर फेंक रहा हूँ भाई इसके ऊपर। आजा, कोई ना कोई स्पीयर में तो आ ही जाएगा ना भाई, लिटरली गाइस। मोनो चोरो मोन बेटा, आजा मेरे पास, आजा यार, कितना जिद्दी है बे तू, मेरा असल ट्रैफर की एमओ भी खत्म हो गई गाइस। लेट्स गो, अभी आ जाएगा बे यार, मोनो चोरो मोन, क्या पोकेमॉन है, क्या बल है, मैं फंस गया, मैं मर गया, मैं खत्म गाइस, आई एम डेड गाइस, खत्म। मतलब ये आईने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस, देख रहे हो 25 फियर मैंने इसके ऊपर फेंक दिए, बट ये क्या चीज है बे। आजा बे, भाग भाग भाग, बचने दो, बच गया, बच गया आराम आराम से भाई, मरना नहीं है यहाँ पर आके, क्योंकि पकड़ना है अपने को मोनो चोरो मोन को भाई, पकड़ के रहेंगे अपन मोनो चोरो मोन को। यहाँ पर देखो 10,000 से 1,000 पे एचपी ला दिए, फिर भी ये आने को तैयार नहीं है, पता नहीं कैसे आएगा मोनो चोरो मोन, क्या चीज है गाइस। तुम लोग जानते हो कि कैसे अपने पॉकेबॉल में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को ये पकड़ना है मोनो चोरो मोन को भाई, ये क्या चीज है। एक और बार आ गया, लेट्स गो, अंदर आ चुका है, आ जाना बे यार, ये बड़े 1% भी नहीं हो रहा है और कैप्चर रेट 0.00%, ये तुमने कभी देखा है लाइफ में एक एचपी पे कोई पॉकेमॉन हो और 0.00% हो, ये मैंने कभी नहीं देखा, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई कितना हार्ड हो रहा है कोई पॉकेमॉन को पकड़ना। आज तक मैंने बहुत लेजेंडरी पॉकेमॉनों से फाइट कर रहा है, बट ये चीज तो भाई अलग लेवल की है, ये आने को तैयार नहीं, मैंने इसकी एचपी एक ही कर दी फिर भी ये अंदर आने को तैयार नहीं, बड़ा जिद्दी पॉकेमॉन है। एक काम करते हैं, ब्लाजा मत को बुलाते हैं, अटैक करते, जिससे क्या होगा ये थोड़ा बहुत कमजोर हो जाएगा तो चांसेस रहेगा अंदर आने का, तो मेरे को और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा क्योंकि मैं इतना बॉल फेंक रहा हूँ उसमें आ ही नहीं रही है। अब मेरे पास ना गाइस वही ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, ब्लाजा मत को बुलाऊंगा जो मेरा शेर खान है, उसके ऊपर बैठूंगा और फायर बॉल मारूंगा जिससे इसके ऊपर आग लग जाएगी, तो मुझे लग रहा है कमजोर बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको पकड़ पाऊंगा। अभी तुम लोग देखो मैंने कितने लेजेंडरी 50 के ऊपर लेजेंडरी स्पीयर फेंक दिए होंगे इसके ऊपर, बट ये जो कमबक चीज है ना ये आने को तैयार नहीं, लिटरली गाइस ऐसा पॉकीमोन मैंने तो कभी नहीं देखा। अब रह चुके ब्लाजा मत को बुलाने की, बेटा ब्लाजा मत इधर आ, अब इसके ऊपर अटैक करते हैं फायर बॉल से जिससे चांसेस रहेगा इसको डैमेज खा के अंदर आने का। लेट्स गो बे, ये तेरी तो ये क्या हो गया, अबे मैंने रिंग ऑफ मर्सी पहनी थी, ये मर कैसे गया, अबे कोई मुझे बताओ, मरे भाई साहब, इतना खतरनाक पॉकीमोन मर गया। अबे यार मेरे को इसको पकड़ना था, तुम लोगों ने वीडियो देखी, तुमको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तो आपको मिल जाएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।